अपना वो कहाँ गया चपरासी छेदीलाल? यही कहीं होगा सर, देखिए पता नहीं कहाँ दिख रहे। छेदीलाल, ओ छेदीलाल, अरे कहाँ मर गया छेदीलाल? छेदीलाल एक बात बताओ, कहाँ चले जाते हो यार तुम? जब देखो तब छेदते रहते हो, पता नहीं क्या। अरे साहेब, जवान इंटरव्यू के लिए लड़कवान आई है, उन्हें छेदा कहाँ? मतलब अरे हमारा कहे मतलब ये है, उन्हें हमका परेशान कर धाई दे है यहाँ। इंटरव्यू देने कितने लोग आए हैं? अरे साहेब ढेर जने आई यहाँ। अच्छा ठीक है, एक काम करो छेदीलाल, तुम जाओ जितने लोग आए हैं और सबकी फाइल लेके आओ, उसके बाद सबको बुलाओ एक एक करके। ठीक है साहेब, फाइल ये लाई आई है। लेके आयो? हाँ साहेब। छेदीलाल एक काम करिए। हाँ साहेब। तुम पहले उनको बुलाओ, पवन इलाहाबादी है ना कौन? हाँ हाँ सर, हाँ पवन इलाहाबादी पहले बुलाओ। ठीक है साहेब। एक एक करके बुलाओ जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट बुलाओ। ठीक है साहेब, ठीक है। अरे यार एकदम बेझता मोड़ के हो गया है, एकदम सारे एकदम बेच के दिखाई देता है, एकदम दबाई दे हमका सारे का आधा आधा, हम एकदम दुबराइए। कहा से कि तू 50 ग्राम का है ना, हम मोड़ गए तू 50 ग्राम का। इतना वजन हमारा है ये यार। अरे यार तू अकेले बैठा रहा, यार बैठ जाती समझ नहीं। फोन यार मांगी, फोन दूसरे मांग लिया, गिर उठ जाए फूट जाए यार, नौकरी आई दे इंटरव्यू दे या मंगनी फोन, हमका लगा था जो तो मंगनी मांग लिया यार। तो हर एक ना थोड़ी ना ये टेंटमेंट में आई हुई वैसे लगता यहाँ यार, देखा था इंटरव्यू दे यार। टेंटमेंट है काम, टेंटमेंट ना यार, हम टेंटमेंट ना ही बतावा। तू लोग गवां एकदम लगा लगातार है, हम लोग क्यों कर रहे हो यार तुम लोग? हां क्या हुआ भाई ये बताओ पहले। हां इसमें कौन हिलावाबाजी कौन है? क्यों मैं क्या आपको नहीं भर्ती कर लिया आपको भैया? नहीं नहीं कैसे बोल रहे हो, पवन इलाहाबादी बोलो यार। अरे तो हम इतना पढ़े लिखे हो तो यहाँ चौकीदारी की नौकरी करे आई चला। के बुलावा था है? अरे साहेब बुलाओ इंटरव्यू दे या है और के बुलावा था। अच्छा हम सोचे यार समोसा खाए पार्टी देता है। हाँ नहीं यहाँ मखानी भी चाहती है यार, चिल्लाए कचकचाता है यार। भैया कौन इलाहाबाद के यार नंबर लगा, अपन नंबर कब लगे यार, इतना टाइम हो गया। तो आ नंबर ना लगे पहले हमारा नंबर लगा, उनके बाद समझा ही नहीं आए। देखा हमका और एक जगह जाए का इंटरव्यू दे समझे पहले तो का इंटरव्यू दे जाए पे। हम भंडारा छोड़ के आई समझे, भंडारवा छोड़ के आई यहाँ तो भंडारवा खवाई उठाई है तो कैसे खावा, जा चला जब भंडारवा कैसे खाई। नहीं यार उनके बाद हमारे नंबर अब लागे नहीं, जब भंडारा खाए आवा तू, तू जा जहाँ भंडारा खा। अरे भैया तू दूसरे जगह जा इंटरव्यू दे आवा ना, हम जहाँ तू छोड़ के आई। हम पहन के इतना अच्छे से आई है, हम नहीं पहने, हम नहीं पहने ही ना। आवा जल्दी काज निकाल कर कचा के यार, तुझे भाई यहाँ कैसी आवा, यहाँ कैसी खराब है? हाँ साहब नहीं है कौन हिलावाबादी? अरे चूतिया हिलावाबादी नहीं इलाहाबादी, पवन इलाहाबादी बोलो। अच्छा अच्छा साहेब क्या नाम है? पवन इलाहाबादी। पवन इलाहाबादी, तो पवन इलाहाबादी जी ये बताइए इंटरव्यू देने आए हो? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ का जो बैकग्राउंड है पता है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। तो आप ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है? सर मैं यही मतलब पहले कुछ नहीं करता था, पहले बस जनानी के साथ थोड़ा गपशप मतलब प्यार मोहब्बत अभी लंबा हुई है हमारी। ओ तो आप प्यार मोहब्बत करके आए हैं? हाँ जी हाँ जी, पहले एक्चुअली काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। अब शादी हो गई तो अब आगे बच्चे भी होंगे तो काम करना जरूरी है, थोड़ा पैसा चार पैसा होगा तभी तो क्या बढ़िया से परिवार चलेगा। अच्छा साहब एक ठू बात बतावा, ये जनानी का तू चुप करना, जनानी मैंने औरत होता है। अच्छा मेहरारू? हाँ स्त्री स्त्री। ठीक जनांतर, तो ये बताइए इलाहाबादी जी ये और आपका बैकग्राउंड जो मतलब है, आप तो बता दिए कि मैं प्यार मोहब्बत करके आया हूँ, और कुछ नहीं किए थे साहब? हमारे अंदर एक खूबी और है। वो कौन सा? कस्टमर पटावे के। कौन सी खूबी है? सर हम बहुत बढ़िया शायर सुनाए सुनाए पटाए कस्टमर, आपका सामान खूब प्रोडक्ट बेचा। ओ तो कौन सी शायरी जानते हो जरा सुनाओ। उसने होठों को छुआ तो एहसास अब तक है, आंखें नम हुई तो सांसों में आग अब तक है। क्या बात है, वक्त गुजर गया पर उसकी याद नहीं गई। अच्छा बेटा क्या बताऊं सर, हरी मिर्ची का स्वाद अब तक है। ओ देख तेरी की हम सोचे का चीज आता मोहे छुआ वाता है। तुम शांत रहोगे चूतिया? हाँ जब दो बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना जरूरी है। तो कौन इलाहाबादी जी एक काम करिए, मेरे हिसाब से हमारे यहाँ ना प्यार मोहब्बत करना नहीं है, इस कंपनी में इस एजेंसी में प्यार मोहब्बत करने का काम नहीं है बेटा। एक काम करिए हमारे यहाँ ना चूल्हा बेचने का काम है, चूल्हा 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 समझते हो? हाँ चूल्हा दो परिवारों को जोड़ता है जो। ओह इडियट कहेंगे,
मेरी बात सुनो, चूल्हा बेचने का काम है, जो गैस का चूल्हा आता है ना वो बेचने का काम है। और तुम एक काम करिए, तुम जाके कहीं कोई दूसरी फैक्ट्री में काम करो, जो परिवार नियोजन वाली फैक्ट्री हो वहां जाके सिलेक्ट हो जाइए, और यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे पाऊंगा, जाओ यहाँ से। हाँ चला अपन चिटकी लेके। अबे ए रुक साहेब, ये चिट्ठी क्या होता है? चिट्ठी साहेब, चिट्ठी। अबे साले जाओ भागो, जाओ बुलाओ। और सुनो। हाँ साहेब। अब नंबर आया है रंजीत पाटिल, रंजीत पाटिल कोई है उसको बुला लो। रंजीत पता किल्ली। अरे पागल चलेगा, रंजीत पाटिल। अच्छा ठीक है, सुन रहा है? नहीं, रंजीत पाटिल को बुला लेना। जी साहब जी। इडियट कहीं का, जाओ। ऑपरेटर। हाँ सर। देख रहे हो? हाँ सर देख रहे हैं। एक तो यार वो आया इंटरव्यू देने, प्यार मोहब्बत करके आया था, और ये सारा अपना जो चपरासी जो है जी जी। ये चपरासी भी अपना दिमाग खराब कर देता है यार, कैसे कैसे लोग आते हैं। करोगे सर, इतनी बेरोजगारी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। पता नहीं पढ़ लिख के आ रहे हैं यार कि फरवे चला के आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इंटरव्यू के नाम पे वैसे चले जाते हैं, दिमाग खराब हो गया। ए भैया ये बताओ, जा तू सबे इमा रंजीत पटक के ली के यहाँ। अरे ठीक से नाम लो, रंजीत पाटिल। दे यार मारे यहाँ दिमाग के दही कही दे यार, चला। ए भाई 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 पगला गया का एकदम, हम कब से आके बैठे हैं यहाँ, हमारा नंबर है पहले का नंबर है। अरे जाना था भैंस चराई का यहाँ का तू? भाई चराई नहीं आई, भंडारा छोड़ के आई, समझे कि नहीं? चुप, जेकर पहले पारी आए भाई चले चल यार। हे वो देखा, और इन दोनों हमको चूतिया बना चला गए। अब देखा सारे, अब तो हम अकेले ही है, अब एक बार हम केहू नंबर ना आए, हमारे नंबर आए, अब देखी थी हमारे पहले जाते है। ऑपरेटर देख रहे हो, इतनी देर से गया अभी बुलाक नहीं लाया। आवा यार जल्दी से उसके मारे हाथ कचकचा धै दे यार एकदम से, चला यहां कह दिया, कह दिया। आवा क्या नाम है? रंजीत पाटिल। तो रंजीत पाटिल ये बताइए। हाँ सर। कि पहले कौन सा काम करते थे? पहले साहब चूरन बेचते थे, चूरन लेला चूरन नवा होई लला नवा। हाँ इडियट नहीं तो पागल साला नहीं का, मजाक बना के रख दिए हैं यहाँ इंटरव्यू में, चूरन बेचने आए हो? ये तुम बताओ। जी सर। किस चीज का चूरन बेचते थे? सर जी जकरे सर जी लड़कियों सर जी वैसे। ऑपरेटर। हाँ सर। देख रहे हो? देख रहे हैं सर। एकदम दिमाग खराब हो गया यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके, बताओ हम लोग चूरन देने आया है, बेचने आया है। देख तो रहे हैं, चूरन बेच रहा है। इसको भी रिजेक्ट करो, कर दीजिए, ठीक नहीं है। एक काम करो साहब, ये लो अपनी फाइल और लेकर निकल लो। निकलो यहाँ से साहेब, रख ले। अरे नहीं साहेब कुछ ले दे कि ना, मुझे हमारे पास स्पेशल पुड़िया बची है, या आप कहते नहीं दे आपको जोड़ा बना है। और क्यों रे क्या कर रहे हो, हटो इसको, तुम एकदम बेवकूफ हो क्या? कहाँ साहेब? एक काम करो, नंबर आ गया है मोतीलाल का। मोतीलाल? मोतीलाल इडियट, बुला गया। अच्छा साहेब बुला गया, जल्दी बुला गया, दिमाग खराब कर दिया। ढंग से नामो नहीं है। अरे बेवकूफ, एकदम बेवकूफ है ये यार, देर से बैठे बैठे दिमाग खराब है सारे। अरे मूती की हो रे, अरे मूती मुतबा हर जाएगा, मूता ना यार, हमारे मुड़ो मुतबा का। अरे यार मूती लाल किसका नाम है? अरे चुप रहता है यार, मूती लाल हमारा नाम नहीं है, मोती लाल है, समझे? हाँ तो चाहे जो भी नाम हो, सर जी बुला रहे हैं, चलो चिल्लाओ मत। का नंबर और का, चला बताओ, अभी तक नहीं आया, ये पता नहीं क्या करता है, इतना पागल चपरासी है। आवा साहेब जल्दी बुलावा ताहे, समझा कि नहीं? यहाँ कैसी खड़ा है यहाँ बेटी? छेदीला तुम खाना खा के आए हो कि नहीं आज? अरे साहेब बहुत तेज भूख लगी आई, पहली बार तो पूछे ताहा। पागल कहीं का, इतनी देर लगा देता है एक आदमी बुलाने में। हाँ तो ये बताओ, तुम्हारा नाम मोतीलाल है? जी हाँ साहेब, मोतीलाल नाम है। तो हिल क्यों रहे हो? अब साहेब मोतीलाल नाम ही बताओ तो। ये बताइए कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या है? ग्राउंड? अरे तो क्या हम ग्राउंड बनवा के रखे क्या? हमारे गांव में क्रिकेट ग्राउंड बांटे, उसमें सब क्रिकेट खेला थे। अरे यार बेवकूफ हो क्या तुम,
सर जी का मतलब है पहले क्या काम करते थे तुम? अच्छा सही बात। अरे सर हम सेटलमेंट का काम करते थे, सेटलमेंट का। ओ जाना था सर ओमा, एक एक दाने 80-80, 90-90 हजार रुपया आवत रहा, और जहाँ ज्यादा काम अटकत रहा ना हमका भेजत रहे हमका। ओ तो ये बात है। अब एक बात बताया। हाँ सर। जब तू 80-90 हजार रुपया कमा लेता था तो यहाँ 10-12 हजार रुपये की नौकरी करने आया है क्यों? मेरे पास चूल्हा बेचने की ड्यूटी है, चूल्हा बेचने का प्रोडक्ट है, चूल्हा बेचने का काम है, तो 10-12 हजार रुपये में क्या करेगा 80-90 हजार की नौकरी छोड़ करके? दरअसल बात यह है सर कि हम जो है कि अब रईस बनना चाहते हैं। आप बनना चाहते हैं? हाँ। पहले नहीं? जी नहीं। अच्छा। इसीलिए हम जो है कि आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ तो यहाँ रईस बनना चाहते हैं? जी समझ रहे हो, हमारे यहाँ जो है ना। हाँ सर। हमारे यहाँ चूल्हा बेचने का काम है, चूल्हा बेच लोगे? अरे बिंदास बेच लेंगे, चूल्हा बेचने की बात कौन सी है। ओ लग रहे हो ऐसे। ओ छेदीलाल। हाँ साहेब। तुम एक काम करो ना, अपना जाके प्रोडक्ट चूल्हा। हाँ एक चूल्हा लेके आओ जल्दी से। जी साहेब। जल्दी आना नहीं भाई छेद करने लगो। हाँ साहेब। तो मोतीलाल ये देखो, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट? हाँ यही चूल्हा बेचना है। अरे सर नाश्ता वास्ता मंगवाइए। ओ बेकर साहब। हाँ सर। यार इतना काम तो बोल सकते हो ना। ओ छेदीलाल जाओ नाश्ता रखे आओ। जी साहेब। जाओ। तो मोतीलाल जी ये हमारा प्रोडक्ट है और यही चूल्हा आपको बेचना है। ये बताइए जैसे ये चूल्हा तुमको बेचना हो तो कितना बेच सकते हो दिन में? बेचने की बात, अरे एक घंटे में 10-20 बेच देंगे साहब। एक घंटे में 10-20? हाँ और क्या। अच्छा ये बताइए। हाँ। जैसे मान लीजिए। हाँ। एक दिन में आपको चूल्हा कितना बेचना है ये हमें बेच कर दिखाओ। जैसे अभी मान लीजिए। हाँ। आप बेचने वाले हो गए। मैं बेचने वाला हो गया। हाँ। और मैं खरीदने वाला ग्राहक हो गया। अच्छा आप ग्राहक हो गए, एकदम सिंपल सी बात है। हाँ। तो आप हमें बेच कर दिखाओ कि एक दिन में आप कितना बेच सकते हो। शुरू करें? हाँ शुरू करो सर। मैं गैस एजेंसी से आया हूँ। अच्छा अच्छा। जी सर। हाँ। और ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं ना। हाँ। बहुत बढ़िया चूल्हा है, नंबर एक का चूल्हा है। अच्छा आप इसको ले लीजिए सर। क्या बात कर रहे हो। हाँ सर। और इसमें इसमें जो है कि गैस नाम मात्र गैस खर्च होता है। ये खूबी है। हाँ ज्यादा खर्चा होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ और कम गैस में आप इसको काफी दिन तक यूज कर सकते हैं सर। क्या बात कर रहे हैं। हाँ सर। लेकिन लेकिन यार इसमें और क्या खूबी है? खूबी सर ये पेवर स्टील का बना हुआ है सर। हाँ, हाँ पेवर स्टील का, आप खत्म हो जाएंगे लेकिन ये नहीं खत्म होगा। अरे ये कौन सा प्रोडक्ट है सर? बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, नंबर वन प्रोडक्ट, झटास प्रोडक्ट है सर। एक काम कर भाई। क्या सर? तू अपना लेके जा, मैं नहीं लूंगा इसे। सर ले लीजिए। अरे नहीं मैं नहीं लूंगा, मैंने बोला ना नहीं लेना आपको। नहीं लेना है? नहीं लेना है। ले लीजिए सर। अरे नहीं लेना है यार। अरे सर बहुत बढ़िया झकास नंबर वन स्टील का बना हुआ है सर। भाई मैंने कहा ना ये चूल्हा उल्हा मुझे नहीं लेना है। सर ले लीजिए प्लीज। अरे मैंने कहा यार मेरे बाप लेके जाओ, मैं नहीं लेना है मुझे। नहीं लेना है? नहीं लेना है यार। नहीं लेना है? अरे भाई लेके जाओ। हाँ क्यों ना लेना है, मैं तेरे पैर पकड़ लेके। नहीं लेना है? नहीं लेना है। नहीं तो हाँ बाप। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रहे हो यार? जवन कर नहीं देखा था नहीं ले ही एक तुहार बाप। एक काम करो भाई। हाँ ठीक है भैया हम नहीं लेते हैं। लेकिन लेता है का हटाओ, नहीं लेता ये करना है। अरे ले रहा हूँ यार। लेबा ठीक है, चलो पैसा निकालना। कितना बताया? 800 ना? नहीं नहीं 8000 रुपया बेकर हुई। 8000? 8000। अरे यार अभी तो 800 रुपया बता रहे थे। 8000 बेकर हुई थी। 8000 रुपया निकालो, समझ रहे हो? अरे मैं समझ गया, मुझे नौकरी पर रख रहे हो। नहीं मैं रख लिया नौकरी पे समझो। और जो 12000 रुपया आप बोल रहे थे देने के लिए, मुझे 24000 चाहिए। 24000 ठीक है मेरे बाप, मैं 24000 दूंगा नौकरी पर रख लिया। ऑपरेटर साहब एक काम करिए, इसको भाई नौकरी पे रख लो। और सुनो अगर नौकरी से निकाला तो तुम दोनों को ठोक दूंगा। ठोक दोगे? समझ रहे हो ना? अरे मैं निकालना नहीं है यार। हाँ। मैं नहीं करूंगा भाई। ठीक है अब तो रख लो यार इसको। रख लूं? हाँ रख लो रख लो, मैं इसको रख ले रहा हूँ। हाँ। इसका पैसा दे रहा हूँ। ठीक है ठीक ठीक। हाँ। निकालो। अब कल से सुनिए पहले, कल से नौकरी पे आ जाना। ठीक है कल से नौकरी पे आ जाना। पैसा पैसा दे देंगे। ठीक है हाँ, अब पैसा देने में खिचखिच मत करना। नहीं करेंगे, जाओ जाओ भैया। ओहो आज तूने फिर कमाल दिखा दिया। ओह नो बाप रे बाप, बड़ा चल लाग रहा सर्वाई का। अरे बाप रे बाप। एक भैया ऑपरेटर साहब,
थोड़ा सा दर्शक के बताई दे दर्शक का जी बिल्कुल भैया रहा हरकेश बहादुर कॉमेडी चैनल की तरफ से बहुत बहुत आप सबका नमस्कार। और भैया रहा ये जो कहानी दिखाई गई वीडियो के माध्यम से एक काल्पनिक कहानी रही भैया रहा, ये कहानी देख के आप सब अपने दिल में जी लिया भैया रहा, हमारे सबके जो है केवल मनोरंजन करावे के और आप लोग के हंसावे के और आप सबके गुदगुदी करावे के विषय में ये वीडियो हमसे बनाई भैया रहा। तो आप लोग हमारा वीडियो पसंद आप सबका भैया ना वीडियो ना हमारे चपक के लाइक करे और चैनल पर नया आया हुआ भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया भैया आइकन दबाओ ना बोले हाँ हमारे ऑपरेटर साहब देखा क्या कहा था बेल आइकन जो घंटिया होता ना ओका जरूर दबाए जाए भैया रे ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें ना आप सब आपके पास हाँ नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए आप सब पास। तो आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।